इसके बाद आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूमिंग खेती। बेटा जैसे कि झूमिंग खेती जो है, कई बार ये टर्म आया है। झूमिंग खेती का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा खेती जो जनरली क्या करते हैं हम, वनों को यानी कि जंगलों को काट करके वहाँ हमने क्या किया कि उसको पत्तियों को जला करके वहाँ खेती की, और खेती करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट कर देते हैं फिर कहीं दूसरे जगह वन को काटते हैं। और ऐसा जो खेती है वो ज़्यादातर आदिवासी लोग करते हैं। आदिवासी लोग कहाँ पाए जाएंगे आपको, ज़्यादातर झारखंड एरिया में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, ये एरिया में झूमिंग खेती बहुत प्रचलित है। और इसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है कि जो सॉइल इरोजन होता है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब जानते हैं कि जो वन के पेड़ होते हैं या कोई भी पौधा या पेड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल इरोजन होने से रोकता है। अगर हम वन को ही काट देंगे तो सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है नेवरासुंडा में, द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टिवेशन ऑफ सेम क्रॉप। हम लगातार सेम क्रॉप उगाते हैं जिससे कि उससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। जैसे आप अपने खेतों में सिर्फ लगातार गेहूं ही उगाएं तो वो गेहूं उगाने से क्या होगा, वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन अपनाइए। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, आप एक बार जो कि ग्रेन क्रॉप्स लिए, जैसे कि वो अनाज वाली फसलें ले लिए, उसके बाद कहा जाता है कि अब दलहनी फसलें लीजिए जिससे कि सॉइल में लेग्यूमिनेश जो क्रॉप होते हैं वो लेग्यूमिनेश क्रॉप आप ग्रो करेंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो नेचुरल तरीके से बढ़ेगा राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, जनरली राइस ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर हैंज द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न लैंड। और ये क्या करते हैं ईयर टू यानी साल दर साल ये क्या करते हैं, जले हुए जला करके खेतों को फिर शिफ्ट कर देते हैं अपने क्रॉप को, या शिफ्टिंग इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद है इट काउज सॉइल इरोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे यानी वनों की कटाई करेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इट प्रैक्टिसेस इन झारखंड, जैसा कि मैंने आपको बताया झारखंड में, एमपी वाले एरिया में और हिली एरियाज में होता है, हिली यानी पहाड़ी एरिया में, क्योंकि वहाँ ज़मीन की कमी होती है और ज़मीन की कमी रहेगी तो जहाँ वन रहेगा वहीं इंसान क्या करता है, काट करके खेती करता है। चलिए ये समझ में आपको।